नमस्कार दोस्तों, मैं समीर, आपका स्वागत है हमारे जनरल टेक्नोलॉजी में। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ और आज का टॉपिक कुछ हमारे मोबाइल टेक्नीशियन जो लोग मोबाइल फील्ड में पहली बार आना चाहते हैं, जिन लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, मतलब इस फील्ड में मोबाइल फील्ड में नया है, जिनको कहना चाहिए कि आज सोचना चालू किए हैं कि हम मोबाइल रिपेयरिंग सीखेंगे, ये वीडियो खास करके उनके लिए है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारा जो एकदम ही फ्रेशर है उनके लिए है, ये जिन लोग को ऑलरेडी रिपेयरिंग आता है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोग को मतलब रिपेयरिंग आ जाता है 50%, 30%, इन लोग के लिए बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं है। मतलब ये वीडियो सिर्फ मैं हमारे जो नए स्टूडेंट हैं, जिन लोग पहली बार मोबाइल फील्ड में आना चाहते हैं, ये वीडियो खास करके उनके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का है ये फ़ोन है, और ये हमारा एक ये रेडमी कंपनी का फ़ोन है, और ये हमारा दूसरा है एक सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, और ये हमारा एक रियलमी का है। ये हम लोग इसको फ़ोन को खोल के एक बार देखेंगे कि इसमें हमारा फंक्शन जो है किस टाइप का होता है, स्पीकर कैसे दिखता है, रिंगर जो होता है वो कैसे दिखता है, और किसको किसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये रियलमी का सेट, ये सॉरी रेडमी का फ़ोन देखते हैं। पहले हम लोग ये रेडमी का फ़ोन को देख लेते हैं, ये फ़ोन खुलता कैसे। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन मैं ये बाकी फ़ोन लोग को हम लोग इसको अभी साइड में कर देते हैं, और पहले ये इस फ़ोन को पहले ओपन करते हैं। ये फ़ोन खोलने से पहले इसको समझ लेना है कि ये फ़ोन खुलता कैसे है। तो ये फ़ोन देख रहे हैं, यहाँ से जो ये गैपिंग दिख रहा है, यहाँ से ये जो इसका होता है, इसका ये ढक्कन होता है, ये बॉडी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आप नाखून के सहारे से इसको खोल सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ हम यहाँ नाखून, यहाँ पर ये बारीक जगह है, तो इस सिम ट्रे के पास से हम लोग इसको नाखून ऐसा लगाएंगे, ये फ़ोन खुल जाता है। ये आराम से इसको एक तरफ से ऐसा राउंड कर सकते हैं, ऐसा ये और ये फ़ोन खुल गया। अब खोलते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि फिंगरप्रिंट आपका कौन सा साइड पे है, मतलब इसमें फिंगरप्रिंट कहीं इधर है, साइड वाला फिंगरप्रिंट है या बैक फिंगरप्रिंट है। तो इसको उठाते समय आपका अगर साइड फिंगरप्रिंट है तो थोड़ा ध्यान से उठाना है, क्योंकि यहाँ से वायरिंग यहाँ गया रहता है, यहाँ से वायरिंग यहाँ पास गया रहता है, तो जाया रहता है, तो ये दिक्कत आने लगता है, ये कट जाता है कभी कभी डिफरेंट। या तो फिर पीछे फिंगरप्रिंट है तो यहाँ से जो फिंगरप्रिंट होता है वो पीछे चले जाता है। तो इसको देख के आपको ध्यान से खोलना है। फिलहाल इसमें तो फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन जिसमें फिंगरप्रिंट रहेगा उसमें पहले समझ लेना है कि खोलने से पहले कि पीछे में कोई फिंगरप्रिंट वगैरह तो नहीं है। तो फिलहाल इसमें नहीं है, तो ये हमारा हो गया। इसको बैक पैनल के नाम से जानते हैं, जैसे कि ये फ़ोन का मॉडल नंबर है, तो उसके हिसाब से ये इसका बैक पैनल होता है। और ये बैक पैनल चेंज करते समय कई लोग इसका ये गलती करते हैं कि ये जो होता है छोटा सा सेक्शन है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्शन है, समझो ये एक छोटा सेक्शन है। ये हमारा नेटवर्क का एक पॉइंट होता है, जो कि यहाँ से हमारा नेटवर्क को एंटीना, नेटवर्क एंटीना बनता है, ये पॉइंट नेटवर्क का एंटीना बनता है, यहाँ से ये नेटवर्क का एंटीना बन जाता है। जब ऐसा यहाँ लगता है ना, तो ये हमारा दोनों तीनों जगह पे ये टच हो जाता है, जैसे कि ये जगह से यहाँ से टच हो जाता है, ये यहाँ से टच हो जाता है, ये वाला पॉइंट यहाँ से टच हो जाता है। तो जब भी आप बैक पैनल चेंज करेंगे तो इसको खास करके ध्यान दीजिए कि ये कॉपी जब बैक पैनल लगा बदलते हैं तो ये कॉपी बैक पैनल में ये चीज़ नहीं होता है। तो आपको जो ये ओरिजिनल बैक पैनल से निकाल के आपको कॉपी जो बैक पैनल लगाएंगे उसमें इसको बराबर से आपको चिपकाना पड़ता है। तो पहला, ये बैक पैनल बदलने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है। दूसरा, हमारा वाईफाई वगैरह के लिए इसमें एंटीना एक और यूज़ किया गया है, जो कि हमारा इस साइड पर टच होता है, एक दो और ये तीन। तो ये तीनों जगह हिस्सा के लिए देखो, यहाँ पास भी एक बनाया गया है, यहाँ भी बनाया गया है, यहाँ भी बनाया है। खास करके मिडिल जो चेंज करते हैं उन लोग ये गलती करते हैं, जब भी कोई बैक पैनल बदलते हैं तो सीधा लेके आए और ये बैक पैनल उठा के बदल देते हैं, नया लगा देते हैं। लेकिन बदलने से पहले आपको इस चीज़ का, ये छोटा चीज़ है लेकिन अगर कस्टमर इसको लेके जाता है मार्केट में और यही चीज़ नहीं लगा रहेगा, तो वो चीज़ आप उनका जो है गांव में जैसे ही जाएंगे उन लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो
तो खास करके बैक पैनल चेंज करते समय आपको इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बहुत लोग अक्सर गलती करते हैं। मेरे शॉप पे लेके आते हैं या इसमें नेटवर्क कम आ रहा है, कभी पूछने से बताते हैं कि मैंने इसमें मिडिल वगैरह चेंज करवाया था, कुछ भी चेंज करवाया था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो सडनली इसको आपको ध्यान देना है, बदलते समय इसको खास करके ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाला चीज़ है। और ओरिजिनल में तो फिर लगा ही रहता है, लेकिन मार्केट से आप कॉपी लेते हैं तो ये सब चीज़ नहीं लगा हुआ रहता है। तो पहला इसको आपको ज़रूरी ध्यान देना है। दूसरा, अब हमको मान के चलिए अब ये हमारा फ़ोन ओपन हो गया। अब ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये होता है बैटरी, ये होता है बीच का जो होता है वो होता है बैटरी, और ये मेन बोर्ड से लेके इधर जो हिस्सा दिखता है, ये जो बेल्ट आ रहा है, ये एक डिस्प्ले के लिए भी बेल्ट है, इसी में डिस्प्ले भी ज्वाइंट है। और इसके इसको पहले ओपन कर लेते हैं, पहले ये हम लोग स्क्रू को इसका बाहर कर लेते हैं। ये होता है फ्रेंड्स हमारा जो रिंगर का डिब्बी, मतलब ये रिंगर स्पीकर जो हम लोग बोलते हैं, इसको कई लोग स्पीकर ही बोलते हैं, कई लोग इसको रिंगर ही बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है हमारा रिंगर, क्योंकि हम जो मोबाइल टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए ये रिंगर होता है। रिंगर जब कॉल आता है तो रिंग जो बजता है, कॉल आते समय रिंग जो बजता है वो होता है हमारा रिंगर, जिसको हम लोग ये बॉटम हिस्सा में होता है ये रिंगर, यहाँ पर से जो आवाज़ निकलता है यहाँ पर से, ये होता है हमारा रिंगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मोबाइल टेक्नीशियन एक बन रहे हो तो आपको जब बात करना है, तो आपको जब भी बात करना है कि ये वाला चीज़ नहीं काम करे, तो आपको यही बताना है कि इसमें रिंगर का इशू है। रिंगर जिसमें हमारा फ़ोन आता है तो रिंग जो बजता है उसको हम रिंगर बोलते हैं, और जो हमारा वॉइस दूसरे को जो सुनाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक। और जब हम लोग ईयर स्पीकर मोड में जो बात करते हैं, इस हिस्से में जो छोटा वाला हिस्सा है यहाँ पर जो होता है, इसको बोला जाता है स्पीकर, जिसको हम लोग कॉलिंग आता है तो पहले फ्रंट से उठाते हैं तो बातचीत होता है, इसको बोला जाता है स्पीकर। तो आप जब भी मोबाइल किसी को पूछते हो कि मेरे फ़ोन में स्पीकर या रिंगर कोई भी चीज़ का, तो आपको इसको रिंगर बताना है, रिंगर का प्रॉब्लम बताना है, इसको बोला जाता है रिंगर, ये होता है हमारा रिंगर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको रिंगर बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हम बैक पैनल को खोले, बैक पैनल खोलने के बाद ये स्क्रू खोले, और ये स्क्रू खोलने के बाद हमारा जो ये चीज़ दिख रहा है ये हमारा रिंगर है, जिसमें हमारा रिंग जो बजता है, हम लोग जब सॉन्ग प्ले करते हैं तो यहाँ से जो आवाज़ निकलता है वो हमारा ये रिंगर होता है। अब इसका कंट्रोल के लिए एक आईसी लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग रिंगर आईसी के नाम से जानते हैं। और आपको ये चीज़ रिंगर है समझ गए, अब ये रिंगर कैसे वर्क करता है ये सब हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा रिंगर कैसे वर्क करता है, इसको यहाँ पर सप्लाई किस टाइप से चेकिंग होता है, ये सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप ये रिंगर का डिब्बी होता है ये समझ लीजिए। कई बार यहाँ पर रिंगर नहीं लगा रहता कोई कोई फ़ोन में, लेकिन वो रिंगर इधर नीचे में होता है, यहाँ पास होता है, ये खाली उसका ढक्कन होता है। तो ये रिंगर डिब्बी ऐसा नहीं है कि ये ऊपर खुले तो रिंगर डिब्बी है, लेकिन यहाँ से अगर इसमें रिंगर लगा हुआ दिख रहा है, वॉइस निकलने वाला जगह, स्पीकर का जाली यहाँ पास दिख रहा है, तो ये समझ जाना है कि यही हमारा रिंगर है। और ये दो ठो पॉइंट जो दिख रहा है रिंगर का, ये माइनस प्लस वाला लाइन है, यहाँ से इसका दो तार आया हुआ है, एक यहाँ से आया है, एक यहाँ से ऐसा ये वाला वायर है। तो ये हमारा हो गया रिंगर। और फ्रेंड्स, इसके नीचे हम लोग देख रहे हैं तो ये जो लाइन आया है, ये पत्ता जो मिडिल फ्लेक्स जो जिसको बोलते हैं, ये एक छोटा फ़ोन होने के कारण, मतलब ये थोड़ा कम बजट का सस्ता फ़ोन होने के कारण से, ये डिस्प्ले का भी पत्ता यही है और ये चार्जिंग बोर्ड का भी पत्ता यही है, एक ही चीज़ में, मतलब डिस्प्ले चेंज, अगर इसमें कोई पत्ते में अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कंपनी के हिसाब से पूरा डिस्प्ले को चेंज करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जब इसमें अगर ये वाला हिस्से में अगर दिक्कत आता है, ये वाले हिस्से में कुछ वाटर डैमेज या कुछ चीज़ को ख़राब हो जाता है, ये चीज़ ख़राब हो जाता है, तो फाइनली इसका स्क्रीन को ही चेंज करना पड़ेगा इस कंडीशन पे। तो इसको अभी ये हमारा चार्जिंग का जो प्लेट होता है उसके लिए सप्लाई वगैरह, यहाँ पर माइक के लिए जो कुछ लाइन है उसके लिए सप्लाई वगैरह का, रिंगर वगैरह के लिए जो सप्लाई आ रहा है, जो हमारा मेन बोर्ड से यहाँ तक का ये सप्लाई पॉइंट है, इसको बोला जाता है सब पीसीबी, जिसको हम लोग सब पीवीए बोलते हैं, जिसको हमारे मोबाइल टेक्नीशियन इसको चार्जिंग प्लेट के नाम से जानते हैं, ये चार्जिंग का प्लेट।
इसमें हमारा इसी में ही हमारा ये चार्जिंग का पिन होता है जिसको हम लोग चार्ज जब जब करते हैं, इसमें चार्जिंग का जब जब प्रॉब्लम आता है इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर कंपनी में जाता है कोई कस्टमर कि हमारा फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है, तो कंपनी के हिसाब से इसको रिपेयर नहीं करा जा सकता, कंपनी इसको रिपेयर नहीं करता है, इसको पूरा सब पीसीबी को वो लोग पूरा नया डालते हैं। इसका कॉस्ट वहाँ ज़्यादा होता है। कस्टमर अगर इसको ही लेके अगर सर्विस सेंटर जाए कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है, तो अगर फ़ोन उसका अंडर वारंटी में है तो उसको फ्री में बन के मिलता है, और अंडर वारंटी नहीं है तो ये चीज़ का पूरा सब पीसीबी का उनको चार्जेस देना पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा चार्जिंग का पिन, और दूसरा हो गया ये है हमारा छोटा जो ये ये दिख रहा है छोटा सा, ये है हमारा माइक जिसमें एक छोटा सा होल दिख रहा है, ये वाला छोटा सा होल दिख रहा है। ये माइक का ये हमारा वॉइस जाने का जगह है, यहाँ से ये वॉइस ऐसा इधर पे आता है। तो ये हो गया हमारा माइक, और ये हो गया हमारा चार्जिंग पिन, और ये हो गया जैक जिसको हम लोग बोलते हैं B2B कनेक्टर, बेल्ट टू बेल्ट, मतलब यहाँ से ये बेल्ट लग के हमारा इधर जाता है सप्लाई, और ये बेल्ट टू बेल्ट, मतलब किसी भी फ़ोन में अगर चार्ज नहीं हो रहा है, अगर चार्जिंग पिन का प्रॉब्लम है, तो आप सब पीसीबी चेंज कर दो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसको अगर कभी कोई कस्टमर इसमें अगर कोई कॉपी प्लेट्स वगैरह डालता है मार्केट से, तो कभी कभी इसमें नेटवर्क का इशू आने लगता है, तो कॉपी प्लेट्स डालने से पहले थोड़ा सोच ले समझ ले, कॉपी प्लेट्स वगैरह डालने से नेटवर्क वगैरह का इशू आने लगता है फ्रेंड्स, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और इसमें जो ये दिख रहा है ये चीज़ क्या है, ये हमारा वाइब्रेटर है जिसको हम लोग फ़ोन हमारा कॉल वगैरह आता है तो हम लोग वाइब्रेशन जो करता है, ये है हमारा वाइब्रेटर। और दूसरा ये जो सेक्शन में एक चीज़ और देखिए, ये वाला जो जैक है ये है हमारा RF केबल जिसको हम लोग नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, ये RF केबल होता है, यहाँ से बोर्ड से लेके यहाँ तक का नीचे का हिस्सा को जोड़ने के लिए ये काम आता है, जो कि इसको हम लोग इसका नाम है RF केबल, जिसको हम लोग यहाँ पर जब लगाएंगे तो ये नेटवर्क का काम आता है, नेटवर्क का एंटीना है समझ लीजिए इसको, ये नेटवर्क का एक एंटीना है, और एक एंटीना से यहाँ से कनेक्शन होके यहाँ आया रहता है, यहाँ भी आए, ये तीनों एंटीना है, और जो मैं बताया आपको जो ढक्कन में लगा हुआ था वो उसका मेन एंटीना जहाँ से ये एंटीना बनता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मोबाइल का ये, अब ये वाइब्रेटर बताया मैं आपको, ये चीज़ वाइब्रेटर है। अब हम लोग ऊपर हिस्सा में चलते हैं, ऊपर हिस्सा में क्या क्या होता है, ये फ्रेंड्स हो गया इसका, ये इसका जो एक पट्टी होता है जिसको ये मदरबोर्ड जो होता है उसको ये अच्छे से ये पैक करके रखता है, इसको अगर नहीं लगाते हैं आप तो इसमें दिक्कत वगैरह आने लगता है, मतलब ये जैक वगैरह जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो ये फ्रेंड्स इसका कैमरा ग्लास होता है, ये कैमरा ग्लास, ये फ्लैश लाइट वगैरह जो होता है उसका वहाँ पर से, ये ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये बैटरी कनेक्टर, ये जो हमारा बैटरी का ये कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर यहाँ लगता है और ये पूरे बोर्ड को चलाता है ये बैटरी। अब ये बैटरी चेंज करने के लिए हमको ये बैटरी को हीट करके इसको निकालना पड़ता है, इसको हीट करके ही हम लोग निकाल सकते हैं, और ऐसे खींचेंगे तो ये डैमेज वगैरह होने का चांसेस रहता है थोड़ा सा, इसको हीट करके थोड़ा लिक्विड डाल के इसको निकालते हैं। तो अभी फ्रेंड्स इसमें ये कैमरा है, इसमें आगे देखते हैं कि ये हमारा RF केबल जो कि मैं नीचे आपको दिखाया, ये हो गया हमारा RF केबल का पॉइंट दूसरा जिसको इधर मदरबोर्ड में लगता है, और ये है फ्रेंड्स हमारा फ्रंट कैमरा, ये फ्रंट कैमरा, और ये वाला जो है ये स्पीकर, ये मेन मदरबोर्ड इस फोन में काफ़ी रिपेयरिंग हुआ है ऐसा लग रहा है, और ये हमारा एयर स्पीकर देखिए, एयर स्पीकर कैसे कनेक्ट होता है, एयर स्पीकर यहाँ ये लग रहा है, और ये एयर स्पीकर हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हेडफोन जैक जिसमें हम लोग हेडफोन लगाते हैं, ये हो गया हमारा हेडफोन जैक, और ये हो गया हमारा बैक कैमरा, ये हो गया हमारा बैक कैमरा। और इसमें जो लगे हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें पूरा उसका मदरबोर्ड का मेन हर चीज़, हम लोग जितना चीज़ देखे उसका हर चीज़ का वर्किंग कराने के लिए उसके
अलग अलग आईसियां होते हैं, हमारा डाटा वगैरह जो रहता है वो सीपीयू रैम इसमें अलग अलग चिप होता है, जिसको हम लोग आगे वीडियो में हमारा देखेंगे, जिसका हर पार्ट्स अलग 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 हम लोग डिवाइड कर करके अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि एक कैमरा हो गया, ये कैमरा तो बदल दिए लेकिन कैमरा बदलने के बाद वर्किंग नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा चेंज करने वाला सिस्टम, मतलब यहाँ से हमको कैमरा बदलना है तो देख सोचिए कितना बदलना पड़ेगा, बोर्ड निकालना पड़ेगा। एक कैमरा को अभी जितना हमको खोलने में समय लगा उतना ही इसको पैक करने में समय लगेगा। इसका इस साइड हो गया, ये जो चार प्रिंट देख रहे हैं इसमें से एक वॉल्यूम प्लस, एक माइनस और एक, ये तीनों के लिए एक सप्लाई होता है और ये एक ऑन ऑफ स्विच, ये ऑन ऑफ करने के लिए मेन इसका एक वोल्टेज लाइन जिसको हम लोग ऑन ऑफ की बोला जाता है इसको। तो ये तीनों का ये लाइन होता है जिसको ये वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और ये ऑन ऑफ स्विच, तो ये तीनों के लिए सप्लाई होता है। और ये जैक हम लोग जब इसको लगाते हैं तो ये यहाँ से जैक ये बैठ जाता है उसमें, तो ये काम करने लगता है फ्रेंड्स। और ये इसका बैटरी, और इसमें जो ये बीच का हिस्सा हो गया इसको बोला जाता है मिडिल बॉडी, इसका जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोला जाता है मिडिल बॉडी इसको, और इसके नीचे इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये है कॉम्बो, जिसको बोला जाता है कॉम्बो वर्किंग। तो ये मिडिल और इसके ऊपर जो लगा हुआ है एक और वो होता है कॉम्बो, जिसको मैं आपको एक दूसरा फ़ोन में दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग पैक कर देते हैं, ये फ़ोन पैक कर देते हैं, ये फटाफट मैं पैक कर देता हूँ। ये कैमरा फ्रंट कैमरा लगा दिया, ये फ्रंट कैमरा लगा दिया, ये बैक कैमरा लगा दिया। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ोन हमने खोले थे इसको फटाफट से इसको पैक कर देते हैं। और ये जो फ्रेंड्स आज हमने जितना भी इसका सेक्शन को देखा है उसका हर सेक्शन को हम लोग चेकिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, और इसका हर एक सेक्शन कैसे कैसे वर्क करता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका हर एक फंक्शन। और फ्रेंड्स हमारे जो कुछ दुकानदार जो भाई होते हैं उन लोग तो आधा तो चेंज तो कर लेते हैं, बट चेंज और करने के बाद अगर कोई सेक्शन अगर काम नहीं कर रहा है तो वो फंस जाता है। तो इसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक एक सेक्शन कैसे वर्क करता है, उसका चेकिंग क्या होता है। अब हर सेक्शन को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर करके अलग अलग उसको समझेंगे। तो आपको भी इस टाइप से कंप्लीट रिपेयरिंग सीखना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप को भी कंप्लीट कोई सेक्शन को समझना है हर सेक्शन को तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स होता है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, आप हमसे कांटेक्ट करके अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उस ट्रेनिंग करने के बाद। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है फ्रेंड्स, हम मिलेंगे हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एक सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमने कोई फ़ोन में टच बनाया या कॉम्बो बनाया, जो भी है एक पर्सनल उसके एक ठो बेस पे मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।